तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। किसी अनवांटेड चीज से ध्यान हटाने के लिए मसरूफ रहना बहुत जरूरी है। मसरूफ रहो, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना लो, फिर तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा अपने माजी के बारे में सोचने का। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जिसने ज्यादती की है उसे उसकी सजा मिल के रहती है, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा, ये इस कायनात का असूल है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी में आने वाले वाकयात को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आज तुम ये अहद करो कि तुम इन सब बातों पर अमल करोगी और नए अज़म के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगी। और इस दौरान अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे, वादा। जा सकती जी। श्योर, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ईमान, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेटा, ये मेरी ड्यूटी है। हॉस्पिटल में रोज बहुत से मरीज आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा दिल लग गया था। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई नहीं है, तुम जाओगी कहाँ? चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी मुझे। शायद इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरी एक जानने वाली है, सब उन्हें बड़ी भी कहते हैं। बहुत ही खुदा तर्स और इंसानियत का दर्द रखने वाली खातून है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। बेटा, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, कुछ गलत मत समझना। मैं जानती हूँ अब तुम जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं कर सकोगी। तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर आमना या हॉस्पिटल में किसी से भी बड़ी बी के मुतालिक पूछ सकती हो, सब उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल आती रहती हैं और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी करती हैं। पता है, 22 साल पहले उन्होंने इसी हॉस्पिटल में पैदा होने वाली एक यतीम बच्ची को गोद लिया था और वो उसकी कफालत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मुझे यकीन है बेटा, बड़ी बी का घर ही तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बस हॉस्पिटल में ही मसरूफ थी, आप भी तो बहुत दिनों से नहीं आई। पता, आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे, और अली की तो सालगिरह भी थी। चिल्ड्रन वर्क के सारे बच्चे आपको याद करते हैं, और अली यही कह रहा था कि वो आपके साथ सालगिरह मनाएगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, उन बच्चों में तो मेरी जान है। आओ आओ बैठो, आओ बैठो। मुझे किसी से आपको मिलवाना है। अच्छा। बेचारी की कहानी बहुत दुखी है और है भी बेसहारा। काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? इसके साथ धोखा और ज्यादती हुई है।
इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, खुदा उन जालिमों को खरक करे। तुम बताओ मैं इसकी क्या मदद कर सकती। ईमान का दुनिया में कोई नहीं है इसे किसी सहारे और छत की तलाश है। हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी, डॉक्टर आमना ने ट्रीट किया है, अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी आश्रय की तलाश है इसे। फिर तो तुम इसे बिल्कुल सही जगह पे लेके आई। ईमान बेटा यहाँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है और बहुत हसास भी है। अंदाजा हो चुका है मुझे मेरे इसके अंदर का इंसान भाप भी है। अब आप इसकी रहनुमाई करें ताकि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो सके। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है। इंशाल्लाह ये जरूर अपने पाँव पे खड़ी होगी। और अगर आप इसकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बंदोबस्त क्या करना, मेरे घर के मकीनों ने तो आते ही इसका इस्तकबाल कर लिया है। ईमान यही रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। बेटा रोते नहीं है, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हें एक बहन भी मिल जाएगी खुशबख्त की शक्ल में। मैं भी बुलाती हूँ उसे। खुशबख्त खुशबख्त। बड़ी भी आ जाए, नाश्ता तैयार है। अरे अरे बेटा इतनी देर है? वो आज सब अकेले हाथ से करना पड़ा ना, इसलिए देर हो गई कि आपकी लाडली तैयार होने में लगी थी। अरे मेरा बच्चा तुम भी तो मेरी लाडली हो ना। देखो बेटा आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, उसका पूरा एतमाद लगना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन मैंने तो उसको बहुत डराया है कि यूनिवर्सिटी में ये होगा वो होगा। बुरी बात बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय तुम उसकी हिम्मत कम कर रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसकी ट्रेनिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में हार मानेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा। नाश्ता करें। हाँ। मेरे रब मुझे हौसला दे और हिम्मत दे कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर हर कदम पर मदद की है उस तरह आगे भी करते रहना। कहाँ रह गई है ये? अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गई बेटा? जी आओ बैठो नाश्ता करके जाना। जरूर भाई, खुशबख्त के हाथ के बने पराठे और चाय मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। हाय बस मेरी दुआ है तुम दोनों इसी तरह खुश हो खुर्रम रहो। आमीन। देखो बेटा सुबह का नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आजकल इसकी छुट्टियां है ना इसलिए जरा ये आराम से नाश्ता कर रही है, नहीं तो इसे सुबह सुबह खाली पेट दौड़ लगाने की आदत है। सुबह सुबह मुझसे तो नाश्ता नहीं होता। जब रोज सुबह उठोगी ना तो आदत बन जाएगी। जी आपकी तरह। वैसे बड़ी भी आप थकती नहीं है इन सब चीजों से? किस चीज से? अरे मेरा मतलब रोज सुबह उठना, घर के सारे काम खुद करना, हॉस्पिटल जाना, लोगों की मदद करना। बेटा हिम्मत भी वो जाते पाक दे ही देती है, जब हिम्मत आ जाती है तो इंसान काम करता ही रहता है।
और खुशी होती है कि आप किसी के लिए कुछ काम करो। और इंसान को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाए। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। सोच रही हूँ कि अगर मुझे बड़ी बी का सहारा ना मिलता तो आज मैं किस हाल में होती। बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, वो हम सबकी मदद करता है, हम तो बस एक जरिया है। बेशक। बस बेटा, अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरा ये नेक अमल कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा बड़ी बी, मैंने खा लिया, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान, और जिंदगी का ये सफर तुम्हारे लिए कामयाबियां और कामरानियां लेकर आए। जज़ाकल्लाह। आपको अंदाजा भी नहीं है बड़ी कि आपकी इन बातों से मेरा पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। मुझे कभी भी किसी ने इस तरह स्कूल और कॉलेज के लिए रुखसत नहीं किया। चलो बेटा, अब खुशी खुशी यूनिवर्सिटी जाओ। जी, और वापस आते ही बताना कि पहला दिन कैसा गुजरा। बिल्कुल बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार शानी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। सुबह से 10 से 12 खूबसूरत लड़कियां यहाँ से गुजर चुकी हैं और मजाल है किसी एक लड़की ने तुम्हारी तरफ देखा हो। यार अब ऐसी भी बात नहीं है, वो क्या है ना, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन, सब लड़के लड़कियां अच्छे बच्चे बनकर घूम रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे मेरे दोस्त। यार वैसे इस दफा नया बैच कुछ खास नहीं आया, कोई एक लड़की भी इम्प्रेसिव नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं, हारे पा रह गया। चल यार, हारे भी आ गया। हेलो गाइस। हेलो। कहाँ रह गया था यार? यहाँ तुझे पता है ट्रैफिक। हेलो हारिफ, हाउ आर यू? आई एम गुड, मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह यार, लड़की ने लिफ्ट करवाई भी तो किसे, जो खुद किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं करवाता। यार यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। और वैसे भी हाय हेलो ये इसमें क्या है? अरे भाई, इसी तरह तो बात शुरू होती है। लेकिन हारिफ तू भी अजीब इंसान है, तकरीबन पिछले एक साल से तेरी हर दूसरी लड़की के साथ हाय हेलो रही है लेकिन तूने एक को भी नहीं फंसाया। हाउ बोरिंग यार। यार वैसे भी अभी तक कोई ऐसी मिले ही नहीं जिसको फंसाने का दिल किया। वैसे भी छोड़ो, खा क्या इस काम। अरे भाई, इसी काम में तो सब कुछ रखा है, कभी ट्राई तो कर।
क्या हुआ हारिफ, कहीं तू उस दुपट्टे वाली को तो नहीं देख रहा था? हाँ यार, देख तो उसी को रहा था। यार हारिफ तू पागल हो गया, रह देकर तुझे वो दुपट्टे वाली पसंद आई? हाँ माना शक्ल की दिखने में अच्छी थी, लेकिन ये दुपट्टा पहनने वाली लड़कियाँ ना फ्लर्ट करने के लिए नहीं होती। हाँ यार, और वैसे भी ये दुपट्टे वाली लड़कियाँ ना बहुत खतरनाक होती हैं। या फिर नकचड़ी खड़ूस। और नहीं तो क्या, अच्छा हुआ कि उसने देखा नहीं, वरना सीधा थप्पड़ पड़ता, फिर क्या कर लेता। अब इतनी भी इल-मैनर्ड नहीं लग रही थी वो। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसके साथ बचपन में खेलते रहे हो। यार ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज़ होती है, और वैसे भी आई एम अ गुड फेस रीडर। अच्छा जी जी। यार वो लड़की दुपट्टे में कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, कुल अलग थलग सी अजीब सी कशिश थी उसमें। अच्छा ठीक है, मान लिया, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा। अरे भाई ये देख, अब बस कर दे और इधर ध्यान दे। अच्छा जी, तो मैडम साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, इंटरेस्टिंग। अबे देखना कहीं साइको ना निकल आए। तेरा भाई तो फंस चुका है यार, पता नहीं क्या खास बात है उस लड़की। चलो जी, तू तो गया।